आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल ये है बेटा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प बेटा आपके पास में ये अ, ब, स और ये है बेटा हमारे पास में द। तो मैं तो सब कुछ बता देता हूँ चारों के बारे में, फिर आपको जो देखना है वो देख लीजिएगा। जो हमारे पास में पहले में दिया गया है अर्धचालक, है ना बेटा। ये अर्धचालक कैसे होते हैं कि जब इनका ताप बढ़ाया जाता है कमरे के ताप पर, है ना, कमरे से कम ताप पर, कम ताप पर ये कैसे होते हैं बेटा? कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? कुचालक, ठीक है। और ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर बेटा इनकी चालकता क्या होती है? चालकता बढ़ती है। जबकि प्रतिरोध क्या होता है बेटा? प्रतिरोध जो है वो घटता है, ठीक है बेटा। तो जो हमारे पास में पहले में दिया गया है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ कम होता है, तो जी हाँ बेटा ये वाला हमारा एकदम सत्य जवाब है, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र में होलों का विस्थापन इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के विपरीत होता है, तो जी हाँ बेटा होल जो होते हैं वो हमारे पास में धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणात्मक होता है। तो जो होल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाते हैं, तो ये वाला भी हमारा एकदम सत्य है, ठीक है। तीसरे में बोला गया है एक चालक का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ कम होता है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास में चालक होता है बेटा, तो जब हम लोग इसका क्या करते हैं बेटा, ताप में वृद्धि करते हैं, तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की टक्करों की संख्या, है ना, टक्करों की संख्या क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है बेटा, जिससे प्रतिरोध क्या हो जाता है बेटा? बढ़ता है। प्रतिरोध जो है बेटा वो बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि एक चालक का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ कम होता है? जी नहीं बेटा, अर्धचालक में होता है, चालक में नहीं होता। तो ये वाला हमारा असत्य हो गया, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है एन प्रकार का अर्धचालक उदासीन होते हैं, तो बेटा ये वाला भी जो है हमारा एकदम असत्य है, है ना। बोला जाए तो ये वाला भी क्या है बेटा, हमारे पास में असत्य है। तो एन प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं? ये ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें है ना इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है धारा प्रवाहित होती है। तो ये वाला भी हमारा असत्य है। तो सही जवाब बेटा हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा कि सही कथन नहीं है वो कौन कौन से नहीं है भैया। ये वाला तो सत्य है, ये वाला भी सत्य है, ये दोनों नहीं है। तो जो हमारा स और द है वो सही जवाब होंगे। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।